ककराहा प्रखंड के कोइरपट्टी पंचायत के वार्ड नंबर 1 में जलनल योजना का बुरा हाल है। जलनल योजना से खिलवाड़ किया जा रहा है और टंकी में ना ही पाइप है और ना ही ग्रामीणों तक पानी की पहुंच है। पंचायती चुनाव को 5 वर्ष पूरा होने वाला है, लेकिन फिर भी ग्रामीणों को अब तक पानी की सुविधा नहीं है। कोइरपट्टी पंचायत में हर रोज नए घोटाले का पर्दाफाश हो रहा है। आइए जनता की जुबानी सुनते हैं। यह है ठकराहा पंचायत के कोइरपट्टी वार्ड नंबर 1 में नल जल योजना की स्थिति, जो अभी तक जब से कार्य लगा है नल जल योजना के तहत हर घर नल और पानी की सुविधा के लिए, अभी तक ये चालू तक नहीं हुआ। आइए आम जनता से बात करते हैं और जानकारी लेते हैं। आपका नाम? धर्मराज कुमार। धर्मराज कुमार, आज आप यहीं के निवासी हैं, कोइरपट्टी के हैं? क्या मैं जान सकता हूँ ये जो नल जल योजना के तहत ये टंकी बना है, इसकी सप्लाई चालू हुई है कि नहीं? अभी तक तो चालू ही नहीं हुई है। कितने दिन से निर्माण हो रहा है? पाइप भी तो अभी सब घर में पहुँचा नहीं है, पाइप तक नहीं पहुँचा है। और ये टैंक बने हुए कितना महीना हो, कितना दिन हो गया? अभी तो शुरू से जब से मतलब आया तब से। कितना दिन? लास्ट टाइम बीतने वाला है। मैंने कितना दिन हो गया बने हुए? ये तो बने हुए लमसम मोटा भाई अब 3 साल हो गया। 3 साल हो गया। आपका नाम? नंदलाल कुशवाहा। नंदलाल कुशवाहा, आप कोइरपट्टी पंचायत के वार्ड नंबर 1 के निवासी हैं। आप लोग भी अभी इस बात से सहमत हैं ये नल जल अभी तक चालू नहीं हुआ? अब पूरे पंचायत में, पूरे पंचायत करें, इस क्षेत्र में नल जल की योजना के तहत जो टैंक लगी है, किसी के घर में अभी तक पानी नहीं गया? अभी काम पूरा नहीं हुआ है। यानी आप लोगों की शिकायत लगा? मोटर लगा है, उसका पाइप नहीं लगा ऊपर पानी जाने। यानी टैंक में किसी प्रकार की कोई गतिविधि नहीं है, कोई पानी चढ़ाने के लिए पाइप नहीं लगा हुआ है और मीटर लग गया है बिजली का, और आम जनता के लिए यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। ये लगा है मोटर और यहाँ पे अभी तो कोई कर नहीं। आप लोग बता सकते हैं कि वार्ड नंबर 1 के वार्ड सदस्य कौन है और इसका देखरेख कौन कर रहा है? जैतुनेसा वार्ड सदस्य है। और किसके देखरेख में है? मुखिया की देख में है। वार्ड लेवल पे किसकी देखरेख में है? वार्ड सदस्य ही करा रहा है। क्या नाम आपने बताया? जैतुनेसा। वो तो लेडीज हैं, उनके पति अकबर अली हैं, और ये मदन मुखिया जो आपके पंचायत के मुखिया, उनके देखरेख में काम हो रहा है, लेकिन अभी तक कोई शुरू नहीं हुआ। आप लोगों ने कभी आवाज उठाया कि नहीं इसके लिए? कोई खास सफलता नहीं, कुछ काम हुआ लेकिन रुक जाता है, रुक जाता है। मैंने इसका कोई निवारण नहीं निकल पाता है, काम क्यों नहीं? 15 दिन में हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा, 5 दिन में चालू हो जाएगा, लेकिन होता। ये बात किसके द्वारा कही गई? वार्ड सदस्य के द्वारा भी कहा गया और मुखिया के द्वारा भी कहा गया। आपका नाम? बीडीओ साहब। राजेंद्र प्रसाद कुशवाहा। बीडीओ साहब भी कहा है। अच्छा, बीडीओ साहब से भी बात हुई थी? वो भी आए थे भाई, ये सब फुट हलाने के लिए, तो पाइप नहीं हलाने दिए। 250 फुट बीडीओ साहब बोले थे? वो बोल रहे थे 300 फुट आया था, बोला 300 फुट में पानी आ जाए तो क्या अच्छा है। हम लोग बोला जब 405 बना है इसमें तो 405 हलना चाहिए, यानी 405 की गहराई है तो 405 होना चाहिए, होना चाहिए। और 250 पे ही कर रहे थे, बोला 250-300 बोला था वीडियो साहब। हाँ वीडियो साहब, इस बार हला है, इस बार यानी उसके बाद आप लोग की आवाज उठाने के बाद ये हला 400। लेकिन अभी फिलहाल ये पानी काम हुआ है पूरे क्षेत्र में, आप लोगों के क्षेत्र में पाइप बीत चुका है? हाँ, पाइप तो हमारे क्षेत्र में बीत चुका है, लेकिन टंकी में अभी तक पाइप नहीं गया। अभी काम बाकी है, अभी जहाँ पाइप नहीं बिछा है, टोटी भी नहीं लगा है, बीच में पाइप नहीं बिछा है और टोटी भी नहीं लगा है। आप लोग इसके खिलाफ आवाज उठा चुके हैं पर कोई काम नहीं हुआ है, कोई सुनता नहीं है इधर। वीडियो से भी लोग आप लोग वीडियो से सबके पास कर चुके हैं? अभी तक पानी चालू नहीं हुआ है, पाइप ही नहीं लगा है। आपका नाम? शांति देवी, कोइरपट्टी की निवासी है। वाइफ ऑफ बुनीलाल कुशवाहा। आपका नाम? ललिता देवी। वाइफ ऑफ रामदेव कुशवाहा। रामदेव कुशवाहा जी की पत्नी है आप। अभी तक आपके घर में भी टोटी नहीं लगा है? कुछ नहीं लगा है। धन्यवाद। आपका नाम क्या होगा? आपका नाम? अकबर अली। आपके पत्नी का नाम? जैतून। जान सकते हैं जैतून जो है वार्ड नंबर 1 की वार्ड सदस्य हैं? अच्छा, ये नल जल योजना आपके वार्ड नंबर 1 में चल रहा है, आम जनता की शिकायत है, आज लगभग 4 साल होने को है और अभी तक पानी का सप्लाई चालू नहीं है। अभी आप बताइए कि आप बखूबी 4 साल काम करने के बावजूद भी टंकी में पानी चढ़ने के लिए पाइप नहीं लगा है, इसकी व्यवस्था क्यों नहीं हो पा रही? व्यवस्था कल पाइप एकदम आ जाएगा।
कल क्यों आएगा, अभी तक क्यों नहीं हुआ? आम जनता पूछ रही है, आम जनता पूछ रही है अभी तक ये काम क्यों नहीं हुआ कि कल कराएंगे आप? क्या कमी है, कौन आपके ऊपर है? मुखिया है, मॉडर्न मुखिया। क्या कोई दिक्कत आ रही है उनके तरफ से? फोन लगा कर पूछिए ना। हम क्यों फोन लगाने जाए? आप बताइए, आपका दायित्व है, जनता आपको वार्ड सदस्य बनाई है। हाँ। क्यों बनाई? आप अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? निभा रहे हैं नहीं, क्या निभा रहे हैं? चार साल से पानी अभी तक नहीं मिला जनता की। पांचवा साल पूरा हो गया, पांचवा साल अब अगली चुनाव होने वाली है। होने वाली है तो दो चार दिन में हमारा चालू हो जाएगा पानी। अभी तक क्यों नहीं हुआ, आम जनता सवाल पूछती है, इसका जवाब है आपके पास? अरे हमारा पास जवाब क्यों नहीं है? तो बताइए क्यों नहीं चालू हुआ? तो बताइए ना, कितना घोटाला की गई है इसमें? कितना घोटाला की गई? कितना रुपए की घोटाला है इसमें? कौन कौन घोटाले बाजे इसमें, कौन कौन संलिप्त है ये बताइए, कि अभी तक कार्य नहीं हुआ? मुखिया है और दूसरा कौन है? मुखिया घोटाला किया है, कितने पैसे की मांग की आपसे? आप मुखिया का नाम ले रहे हैं, कितने का घोटाला किया है? बोरिंग का जितना बोरिंग का स्मिट होगा उतना। आप ही के गो पंचायत है, आप ही के गो वार्ड है, पूरे ठकराव प्रखंड में पानी चल रहा है, आपके यहाँ क्यों नहीं चल रहा है? तो वही बात है ना, रोक दिया है। कौन रोका है? अरे कौन नहीं रोका, बताइए हमको, बताइए। प्रशासन रोका, वीडियो रोके, सीओ रोके, सीओ वीडियो तो आकर वो नहीं रोका, वो तो यहाँ लोग अरे हलने दीजिए। कौन रोका? आम जनता रोका है कि आप सही काम करेंगे तो आम जनता रोक देगा। कमी आप में है कि आम जनता में है? 350 फुट, 350 फीट अब क्यों हलाएंगे जब 470 फुट की मामला है? तो ठकराहा से धीरज श्रीवास्तव की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़।